अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपए कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जिस देश का प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनकर घूमता है, उस देश के हजारों युवा 10,000 की नौकरी के लिए भटकने को मजबूर हैं। पहले इलेक्शन में इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का जुमला फेंका, 2019 में जुमला बदल गया और 2024 में डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम करते नजर आए। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। जी हाँ, ये इसी देश की कहानी है जहाँ विदेशी कंपनियां आकर लाखों करोड़ प्रॉफिट कमाकर ले जाती हैं, और ये तस्वीरें भी इसी देश की हैं जहाँ प्राइवेट कंपनी की 10 पोस्ट के लिए हजारों लड़के पहुंच गए। यही हैं वो युवा जिन्होंने मोदी जी के 400 पार के दावे को खोखला कर दिया और इन्हें 240 पर ला दिया। अगर नहीं सुधरे तो 100 के नीचे भी यही युवा लेकर आएंगे। अब करें भी तो क्या करें, पेपर दे तो पेपर लीक, नौकरी मांगे तो लाठी मिलती है, और इन सब के लिए जिम्मेदार प्रधान सेवक क्या कहते हैं? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपए कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मांगोगे कि नहीं मांगोगे? ये बयान कोई अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं था, बल्कि ये रोड मैप था। मोदी जी ने साफ बता दिया था, नौकरी भूल जाइए, पकोड़े वकोड़े तलना सीख लीजिए। और देखिए, आज 30 लाख पद खाली हैं, हर घंटे 2 युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन मोदी जी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इसलिए मध्य प्रदेश भाजपा के विधायक पन्ना लाल ने पूरा निचोड़ ही निकाल दिया। सुन लिया ना आपने, डिग्रियों से कुछ होने वाला नहीं है। दिन में पंक्चर लगाइए, शाम को पकौड़े तलिए और घर जाकर रूखी सूखी खाकर सो जाइए, क्योंकि मोदी है तो रोजगार नामुमकिन है।